हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैरिंग वुमन। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे विहांग वुड्स बाय विहांग ग्रुप एट गोडबंदर रोड थाने वेस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एलिवेशन है बिल्डिंग का और ये प्रोजेक्ट 7 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है, जिसमें डेवलपर ने लेफ्ट साइड का भी 2 विंग लॉन्च किया है। सो दिस इज सी और डी विंग और इसमें ग्राउंड लेवल पर पार्किंग दिया गया है, 2 लेवल पोडियम पे पार्किंग दिया गया है और उसके ऊपर 30 हैबिटेबल फ्लोर्स है और 20+ लाइफस्टाइल एम्यूनिटीज़ है जो कि रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 2.5 एंड 3 BHK फ्लैट्स। तो बिल्डिंग का लुक दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट लुक है, वाइट कलर है और स्लाइटली ब्राउन कलर का शेड दिया गया है और उसके पीछे की तरफ आप देखेंगे दैट इज़ गोडबंदर रोड और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे दैट इज़ गायमुख मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो लाइन जो है गोडबंदर रोड से बिल्कुल पैरेलल चलती है और बिल्डिंग के बैक साइड में जो आप रिवर जैसा देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली क्रीक, भाईंदर क्रीक है वो, और यहीं से फेरी कनेक्ट होगा। तो एक जेटी इसका यहीं पर बनेगा। तो जब फेरी यहाँ से शुरू होगी तो फेरी आपका यहाँ से बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा और कुलाबा तक कनेक्ट होगी एंड ऑन द अदर साइड नायगांव, वसई और विरार तक कनेक्ट होगी। तो इस प्रोजेक्ट को दोस्तों दोनों बेनिफिट मिलता है, एक मेट्रो लाइन का बेनिफिट मिलता है, गोडबंदर रोड बिल्कुल इसके पास में है और तीसरा जो है फेरी बिल्कुल बाजू में से शुरू होगी। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर मास्टर प्लान में देख लेते हैं। ये जो लैंड पार्सल है ये पूरा 7 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो अभी डेवलपर ने ये 2 बिल्डिंग लॉन्च किया है जो कि सी और डी टावर है, फिर यहाँ पर ए और बी टावर रहेगा, उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट है और ये जो गार्डन जो आप देख रहे हैं ये सारा पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है और इस तरफ आप देखेंगे दिस इज़ गोडबंदर रोड। तो यहाँ पर लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो विहांग वुड्स यहाँ पर लोकेटेड है और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर वाटर जेटी है और ये जो मेन रोड है दिस इज़ गोरबंदर रोड जहाँ से मेट्रो पैरेलल चलती है और इसके पास में यहाँ पर आप देखेंगे गायमुख मेट्रो स्टेशन है। और विहांग ग्रुप के और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट है जैसे विहांग वेरमोंट, विहांग हिल्स, विहांग नोवा, विहांग वैली एंड विहांग मेट्रो हाइफ। तो USP दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो टाइटन हॉस्पिटल 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, जीजाई वुमेन्स हॉस्पिटल 7 मिनट के डिस्टेंस पर है, क्यूरे हॉस्पिटल 10 मिनट के डिस्टेंस पर है और बिग बाजार 8 मिनट, डीमार्ट 10 मिनट, आर मॉल 18 मिनट, विवानिया मॉल 25 मिनट और कोरम मॉल 25 मिनट, होटल विहांग्स इन 20 मिनट, केरला कैफे 20 मिनट, विहांग्स पाम क्लब 25 मिनट और IBIS होटल 25 मिनट और कमर्शियल में यहाँ से जी कॉर्प 7 मिनट पर है, बेयर्स 17 मिनट, TCS 20 मिनट, कॉलेजेस में मुछाला पॉलिटेक्निकल कॉलेज 8 मिनट, प्रताप सरनायक इंटरनेशनल स्कूल 8 मिनट, न्यू होराइजन स्कॉलर स्कूल 10 मिनट, सुलक्षणा देवी सिंगानिया स्कूल 25 मिनट और प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन 2 मिनट, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 15 मिनट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 15 मिनट, वेस्टर्न रेलवे 20 मिनट, सेंट्रल रेलवे 25 मिनट और इसके अलावा जो जेटी है वो हार्डली 200-300 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये सारा USP दोस्तों इस प्रोजेक्ट का। सो दोस्तों कोड नेम इस प्रोजेक्ट का द प्रॉमिस है और प्रोजेक्ट का नाम विहांग वुड्स है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट से जो व्यू जो आपको मिलता है वो दोनों तरफ का ओपन व्यू मिलता है। तो अगर आप पोडियम लेवल से भी अगर आप देखेंगे तो सामने सी क्रीक है, उसके पीछे माउंटेन है, सो देर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन। और बिल्डिंग के बैक साइड में भी अगर आप देखेंगे तो संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू है। तो दोनों तरफ से ओपन व्यू मिलता है इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में है, आपको क्रीक और माउंटेन का ओपन व्यू मिलता है। योर हिल्स संजय गांधी से कनेक्टेड है तो संजय गांधी का अगेन आपको योर हिल्स का व्यू मिलता है और इसके अलावा प्रोजेक्ट के पास में ही पब्लिक गार्डन है तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, कॉरपोरेट हब्स, शॉपिंग प्लाजा, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है।
तो यहाँ से दोस्तों मेट्रो लाइन 4 थाने से वडाला तक चलेगी, जो कि अगले एक साल तक शुरू हो जाना चाहिए, और मेट्रो लाइन 5 थाने से कल्याण तक चलेगी। इसके अलावा बोरीवली टनल बन रहा है, जो कि बाय रोड आप थाने टिकुजिनीवाड़ी से बोरीवली ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वाया डैट टनल हार्डली 15 मिनट के ड्राइव पर आप पहुँच सकते हो। मुलुंड से गायमुख मेट्रो स्टेशन तक 6 लेन का हाईवे ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है, तो अगेन आपका ट्रैवलिंग टाइम बचता है अगर आप गायमुख से मुलुंड तक जाते हो। वाटर फेरीज बहुत जल्दी शुरू हो रही है। थाने क्रीक के ऊपर 2 नए ब्रिजेस बन रहे हैं, जिससे अगेन आप अगर मुंबई टू नासिक अगर ट्रैवल करते हो तो आपका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा उसमें। थाने से CST नया रेलवे रूट बन रहा है, जो कि 35 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा, और आप थाने से CST तक मैक्सिमम 21 मिनट रनअप पर आप पहुंच सकते हो। उसके बाद सेंट्रल पार्क रोड लिंकिंग का काम चल रहा है, जो कि कोलछेत और भिवंडी को कनेक्ट करेगा, तो अगेन आप 17 किलोमीटर का स्ट्रेच मैक्सिमम 10 मिनट में आप कवर अप करोगे। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों इस एरिया में डेवलप्ड हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये और एक एलिवेशन है बिल्डिंग का, जहाँ पर मेट्रो लाइन घोड़बंदर रोड से बिल्कुल पैरेलल चल रही है, और राइट साइड में जो स्टेशन आप देख रहे हैं दैट इज गायमुख मेट्रो स्टेशन। इसके अलावा दोस्तों फ्लैट के अंदर जितने भी फिटिंग्स फिक्सचर्स दिए गए हैं सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स दिए गए हैं। ग्रैंड लॉबी एंट्रेंस होगा, बाथरूम में जितने भी फिटिंग्स दिए गए हैं वो सारे ब्रांडेड कंपनी के हो गए, और इसके अलावा भी फ्लैट के अंदर जो भी फिटिंग्स होगा सारे ब्रांडेड कंपनी के दिए गए हैं। वीट्रीफेड टाइल्स ब्रांडेड कंपनी का दिया गया है। एल्यूमिनियम पाउडर कोटेड स्लाइडिंग विंडोज होगा, जो कि फ्रेंच कट विंडो होगा, ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले। फायर रेटेड मेन डोर दिया गया है, फायर फाइटिंग सिस्टम दिया गया है, स्विचेस एंड वायरिंग ब्रांडेड कंपनी का होगा, पावर बैकअप इन कॉमन एरिया दिया गया है, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, CCTV सर्वेलेंस इन कॉमन एरिया, और 2 BHK में आपको बैल्कनीज मिलता है। तो ये सारे फीचर्स दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये रूफ टॉप का एमिनिटीज एरिया का प्लान है, तो लेफ्ट साइड में डी टावर है और राइट साइड में सी टावर है, दोनों टावर कनेक्टेड है एक दूसरे से। रूफ टॉप के ऊपर जो एमिनिटीज आएगा इसमें आपको सीनियर सिटीजन एरिया मिलता है, जिम्नेजियम, स्टडी एरिया, जाकुजी, स्टीम, स्पा, लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशन जोन, देन देयर इज अ रिफ्यूज एरिया, इंडोर गेम्स, बिजनेस सेंटर, क्रीच, लेडीज लॉन्च, स्टार गेजिंग, डांस एंड जुम्बा एंड मूवी लॉन्च। तो ये सारा एमिनिटीज दोस्तों रूफटॉप के ऊपर दिया गया है। और यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे और एक एलिवेशन है, जिसमें ये जो पीछे का माउंटेन आप देख रहे हैं ये संजय गांधी नेशनल पार्क का माउंटेन है, जहाँ पर ईयर हिल्स है। तो ईयर हिल्स में बेसिकली लोग सुबह सुबह वॉकिंग के लिए भी यहाँ पर जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके फ्लोर प्लान के ऊपर। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे डी टावर है और राइट साइड में सी टावर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 BHK है और 2 BHK का प्लान है, तो हम लोग ये दोनों यूनिट प्लान को रिफर करेंगे। इसमें आपको 2.5 का भी ऑप्शंस अवेलेबल है और 3 BHK का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 BHK 343 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 47,50,000 प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। उसके बाद 422 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, अगेन 1 BHK, जिसका प्राइस शुरू होता है 57,50,000 प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 2 BHK विद बैल्कनी 662 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 87,50,000 से प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। 1+1 की अगर आप जोड़ी लेते हो तो 765 कारपेट आपका 1,05,00,000 तक है। 2+1 BHK की अगर आप जोड़ी लेते हो जिसमें 1,005 कारपेट एरिया है, प्राइस इज 1.35 CR। और अगेन 2+1 की जोड़ी अगर आप लेते हो बड़े साइज में तो 1,084 कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस शुरू होता है 1.45 CR से। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2026 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।